नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश के शहडोल में मानव तस्करी को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन मानव तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला शहडोल के रेलवे स्टेशन का है, जहां पर चार नाबालिग बच्चों को ट्रेन से बाहर तस्करों द्वारा ले जाया जा रहा था। एक सामाजिक कार्यकर्ता के पहल से चारों नाबालिग बच्चों को शहडोल रेलवे स्टेशन पर रेस्क्यू कर आरपीएफ के हवाले कर चाइल्ड लाइन में भेज दिया गया है। आरपीएफ शहडोल का ये मामला है। चार नाबालिग बच्चे रेस्क्यू हुए, मानव तस्करी की आशंका जताई जा रही है। कल्याणी वाजपेयी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीएलवी शहडोल ने ट्रेन में ट्रेस किए नाबालिग बच्चे। बरौनी गोंदिया ट्रेन से बिहार से रायपुर जा रहे थे चार नाबालिग। मानव तस्करी की शंका पर आरपीएफ से बच्चों को हिरासत में लेकर चाइल्ड लाइन सेंटर को सौंपा। आरपीएफ ने मामले की पड़ताल शुरू की। चाइल्ड लाइन से राहुल अवस्थी ने बताया कि लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि मानव तस्करी कर बच्चों को ट्रेन और बसों से लगातार रायपुर और इलाहाबाद भेजा जा रहा है। जब इस विषय में चारों नाबालिग बच्चों से पूछा गया तो उनका कहना था कि हम अपनी मर्जी से रायपुर में बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं और ये सभी बच्चे बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और देखने में ऐसा लगता है कि इनके आसपास कोई ना कोई दलाल रहा होगा, तभी बच्चे बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर रायपुर तक सफर कर रहे थे। लेकिन ऐसा कोई शख्स आसपास नहीं पाया गया और पुलिस और आरपीएफ दोनों ही जांच पर जुट गई है। जी बताएं, क्या मामला हुआ आज, क्या घटना? मैं कल्याणी वाजपेयी और मैं हूँ और मैं एनजीपी चला रही हूँ कल्याणी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। विधिक में इस समय पीएलवी के रूप में काम कर रही हूँ। मैं कटनी स्टेशन पे जब चढ़ी गोंदिया एक्सप्रेस पे तो जनरल बोगी में मैं थी और मेरे सामने चार बच्चे बैठे हुए थे जो थोड़े से डरे सहमे थे। मुझे लगा कि थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे लगा कि ये तस्करी का मामला है या बच्चे अपने आप से घर से भाग के जा रहे हैं। तो मैंने अपने पति श्री अरुण कुमार वाजपेयी जी को मैसेज किया, जिन्होंने जीआरपी और आरपीएफ थाने के माध्यम से यहाँ पे रेस्क्यू किए गए हैं शहडोल स्टेशन पे बच्चे, और कार्रवाई करने के बाद उनको चाइल्ड लाइन को सौंप दिया जाएगा, जिससे उनके परिवार से उनको। कितने बच्चे हैं? चार बच्चे हुए हैं और उम्र इनकी बहुत कम है, 12 से 15 के बीच के बच्चे हैं। और ये बार बार एक व्यक्ति प्रेम लाल का नाम ले रहे हैं जो बिलासपुर में बिस्कुट फैक्ट्री में काम करते हैं और इस तरह के बच्चों को कई स्थानों से, जैसे उत्तराखंड है, बिहार है, बंगाल है और काफी जगहों का उन्होंने बच्चों ने नाम लिया है कि वहां से लाके बच्चों को से काम कराया है। ये जो बच्चे बरामद हुए, इनसे पूछताछ में क्या है, कहाँ के हैं ये चारों बच्चे? ये चारों बच्चे बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर के हैं और ये जो है इसके इसमें पहली बार नहीं है, ये इसमें से दो बच्चे ऐसे हैं जो तीसरी बार जा रहे हैं काम करने के लिए। आज सुबह में श्री अरुण वाजपेयी जो कानूनी सहायता शहडोल में कार्यरत हैं, उनके द्वारा हमें मोबाइल से सूचना दी गई कि चार बच्चे गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस से रायपुर जा रहे हैं, जो जिनकी गतिविधि संदिग्ध है, उस सूचना उनको उनके पत्नी कल्याणी वाजपेयी द्वारा दी गई थी। इस सूचना पे आरपीएफ और जीआरपी के स्टाफ जाके ट्रेन को अटेंड किए। ट्रेन में चार बच्चे मिले, उनसे पूछताछ करने पर उनको बताया कि वो अपने घर से किसी के द्वारा फ़ोन से सूचना मिलने पर रायपुर में कुछ काम की तलाश में जा रहे हैं। उनसे वहाँ मौके पर पूछने पर उनके द्वारा कोई साथ में नहीं होना बताया गया, जिस पर उनको आरपीएफ थाने पर लाया गया और यहाँ से कागजी कार्रवाई करने के बाद में उनको अग्रिम कार्रवाई हेतु चाइल्ड लाइन शहडोल को सुपुर्द किया जा रहा है। हाँ, मैं चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर राहुल अवस्थी शहडोल से हूँ। आज सुबह लगभग 7-8 बजे के करीबन फ़ोन आया और उसमें ये सूचना मिली कि गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेन में 4-5 बच्चे हैं जो कहीं बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, ऐसी शंका जताई गई। जैसा कि आजकल विदित है कि मानव तस्करी चालू है, इसके तहत चाइल्ड लाइन ने तुरंत आरपीएफ से संपर्क किया और स्टेशन में हम लोग पहुँच कर चाइल्ड लाइन और आरपीएफ के द्वारा रेस्क्यू किए हैं बच्चों को और उनके साथ समुचित कार्रवाई जो होगी वो सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करके। कहाँ के हैं बच्चे और किस उम्र के? ये अपना बच्चे जो बयान दे रहे हैं बता रहे हैं, वो बिहार के रहने वाले बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर के पास कोई गाँव है। उम्र क्या क्या उम्र? लगभग इनकी वही 14-15 साल 12 साल लगभग है और ये चारों बच्चे नाबालिग। क्या मानव तस्करी का मामला हो सकता है? बिल्कुल सर, ऐसी शंका की जा सकती है कि मानव तस्करी का मामला है। नाम राहुल अवस्थी, कोऑर्डिनेटर। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को YouTube में सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।